दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। नमस्कार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। वर्ष 2013 राजस्थान के लिए चुनावी वर्ष है। पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में शासन किया है। 2008 में अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से कुछ वादे करके उन्होंने वोट लिए और सत्ता पाई। 5 साल बाद अब मौका है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने वादों पे खरी उतरी, कितने वादे निभाए, कितने वादे पूरे हुए। वर्ष 2013 इन्हीं के मूल्यांकन का समय है और आज हम आपकी आवाज में कांग्रेस घोषणा पत्र के में चिकित्सा को लेकर के जो वादे किए गए थे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो राजस्थान की जनता के साथ में एक तरीके का करार उन्होंने करने की बात कही थी, उसकी जांच करेंगे। आज हमारे साथ में राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और चिकित्सा जगत से जुड़े हुए काफी लोग पैनल में मौजूद है। उन सब से हम चिकित्सा सुविधाएं और कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं पैकेज जिसमें राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं के हालात और उनकी वस्तु स्थिति का बयां किया गया है। साल 2008 में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने की कवायद शुरू कर दी। एक के बाद एक वादों की बौछार होने लगी। विकास के साथ साथ ये दावे भी किए गए कि सरकार में आते ही लोगों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी वादे हुए और जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बाजी मारी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। अब जबकि एक बार फिर चुनाव सिर पर है तो सरकार ये दावा कर रही है कि पिछले 5 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं और प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था उन्नत हुई है। सरकार के कुछ बड़े दावों पर गौर करें तो मुख्यमंत्री निशुल्क योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई। 16,053 निशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर मिल रही हैं दवाइयां। योजना का बजट 300 करोड़ है और 7 करोड़ जनता को इसका फायदा मिल रहा है। योजना के संचालन के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन काम कर रहा है। 2 अक्टूबर 2011 से फरवरी 2013 तक 10 करोड़ 7 लाख मरीज इससे लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011 से योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई। प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिन तक अस्पताल में सारी सुविधाएं मुफ्त, निशुल्क दवा, जांच, परिवहन और भोजन की सुविधा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 1400 रूपए और शहरी क्षेत्र में महिलाओं को 1000 रूपए प्रोत्साहन राशि। मार्च 2013 तक 12,58,000 संस्थागत प्रसव हुए और 19,33,000 गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को निशुल्क योजना का लाभ मिला। 3,73,000 बीमार नवजात शिशुओं को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। प्रथम प्रसव पर महिलाओं को 5 लीटर देसी घी उपहार योजना 1 मार्च 2009 से लागू। मार्च 2013 तक 1,22,358 महिलाओं को देसी घी का उपहार मिला। मुख्यमंत्री बीपीएल वन रक्षा कोष योजना, बीपीएल परिवारों को निशुल्क चिकित्सा जांच और इलाज की योजना 1 जनवरी 2009 से लागू। बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल निसंतान परिवारों को यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उनका मुफ्त इलाज इस योजना के तहत। जनवरी 2009 से मार्च 2013 तक 1,50,00,000 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिली और करीब 156 करोड़ रूपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री सहायता कोष, सार्वजनिक दंगे और दुर्घटना के शिकार लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई।
30 दिसंबर 2008 से ये योजना लागू हुई। बीपीएल और अन्य गरीबों को इलाज के लिए वार्षिक सहायता राशि 24,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का आदेश। करीब 137 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत खर्च की गई है और 48,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। 18 जुलाई 2012 से तंबाकू युक्त गुटखा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध। 15 सितंबर 2011 से हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्वास्थ्य मित्र और एक एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्य योजना मद से 2500 अतिरिक्त एएनएम संविदा पर और एनआरएचएम से 2500 एएनएम पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर 537 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति देकर काम शुरू किया गया। प्रजनन दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के मकसद से जिला स्तर पर 36 फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर यूनिट और 40 कुपोषण उपचार केंद्र स्थापित। प्रत्येक जिला अस्पताल में बुजुर्गों के इलाज के लिए जेरियोटिक केंद्र खोले गए हैं। प्रेगनेंसी एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम योजना 15 सितंबर 2009 से लागू हुई योजना। ग्रामीण क्षेत्रों की सारी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद सेवाएं दी जा रही हैं। बेटी बचाओ अभियान 11 अप्रैल 2012 से हमारी बेटी एक्सप्रेस चलाई गई है जो बेटी बचाओ का संदेश दे रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के सभी 33 जिलों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये तमाम दावे हैं जो राजस्थान की सरकार ने किए हैं। सरकार का कहना है कि उसकी स्वास्थ्य योजनाओं की देश भर में तारीफ हुई है और प्रदेश के हर तबके को इससे फायदा पहुंचा है। जब प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त सुधार किए गए हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि 5 साल पहले कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों पर भी हम नजर डालें। और आखिर वो कौन से वादे थे जिस पर जनता ने भरोसा करके कांग्रेस को वोट दिया था, एक नजर डालते हैं उन वादों पर भी। हर ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। उपखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति। बीपीएल परिवारों के अलावा अनाथ बच्चों, विधवाओं, तलाकशुदा, बुजुर्गों और लाचारों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज की सुविधा। बच्चों के टीकाकरण का प्रभावी क्रियान्वयन। पीपीपी के जरिए मेडिकल सेवाओं का विस्तार। एनआरएचएम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार। तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और जिला मुख्यालयों पर विशेष ट्रॉमा सेंटर बनाना। तमाम मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाना। तमाम सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरना। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति का संरक्षण, विस्तार और प्रोत्साहन। 5 साल पहले ये तमाम वादे कांग्रेस ने किए थे और जनता को भरोसा दिलाया था कि स्वास्थ्य सुविधाओं या दवाओं की कमी से किसी की जान नहीं जाने देंगे। वहीं कांग्रेस अब इन वादों के पूरा होने का दावा कर रही है। ऐसे में अब जनता को तय करना है कि वाकई में गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मरुद्रा। इस पैकेज में आपने देखा कि राजस्थान सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने की कोशिश की गई है। काफी हद तक सफलता भी मिली, क्योंकि आज आम आदमी को निःशुल्क दवा जो है मिलने लगी है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो चिकित्सा जांच है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो भी होने लगे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल है लोगों में इन सुविधाओं को लेकर के, अभी भी कुछ प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम हमारी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार है, उनसे पूछते हैं कि कितने वादे किए थे, कितने पूरे हुए। राजकुमार जी, आप लोग वादे करके आए, और सरकार की तरफ से अगर उपलब्धियों की बात होती है तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाती है कि हमने बहुत काम किया है। क्या लगता है, वादे किए पूरे हो पाए? देखिए पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो मैं जी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ऐसा सब्जेक्ट उठाया और जनता के बीच में लेकर जा रहे हो। मैं जाते समझता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो एक सपना था कि दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, खून के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, उस पर यह सरकार खरी उतरी है। उस वादे को, संकल्प को पूरा किया है। एक हेल्थ रिवोल्यूशन जो कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य क्रांति राजस्थान के अंदर आई है, जो न भूतों न भविष्य थी। आज ये कोई भी आलोचना करे या कोई भी कोई बात करे, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बड़ा काम है, इतने बड़े लोग हैं, 7 करोड़ की जनसंख्या है, और एक ऐसा
कार्यक्रम जनता के बीच में लेकर गए। कुछ कमियां शुरू शुरू में थी, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आप मातृ मृत्यु दर से लेकर शिशु मृत्यु दर तक जो मेन जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसमें काफी कमी आई है, और आज लोग सरकार को बहुत अच्छी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि इलाज के लिए आम जनता को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे, उसके बाद वो अपने माता पिता का इलाज करा पाता था या माता पिता अपने बेटे का इलाज करा पाते थे। आज उनको न तो जमीन बेचनी पड़ती है, न गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, न ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं। पैसे वाला व्यक्ति कहीं भी इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता। वो दर दर भटकना अशोक गहलोत की सरकार ने बंद कर दिया है, और गांव ढाणी तक हम लोग स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, सीटों में बढ़ोतरी की है। और जहां तक मेरा मुझे कहते हुए खुशी है कि आज हेल्थ का अलग से काडर हमने बना दिया। डॉक्टर साहब, अभी स्वास्थ्य केंद्र आपने खोल दिए, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंच पाए, कहीं नर्सिंग स्टाफ वहां चला रहा है, और कहीं हालात तो यह है कि वार्ड बॉय और स्वीपर तक वहां पर इंचार्ज बना करके बैठा दिए गए। दवाइयां भेजी जा रही है, लेकिन बात उठ रही है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन है। टेस्ट जहां तक बात है, चिकित्सा जांच की जहां तक बात है, लोगों के नंबर नहीं आ रहे, लंबी लंबी लाइनें, क्योंकि आपने उससे सपोर्ट स्टाफ ही वहां नहीं दिया। इनको लेकर के नहीं लगता कि सरकार की तरफ से? देखिए, आपकी एक बात से तो बिल्कुल मैं असहमत हूं कि दवाइयां क्वालिटी के अंदर कोई समझौता सरकार कर रही है। हमने वर्ल्ड लेवल की लेबोरेटरी से हमने जांच करवाकर दवाइयों का सैंपल पास करवाकर वो दवाइयां दे रहे हैं, लोगों के अंदर अच्छा उसका रिजल्ट है। दूसरी बात, डॉक्टर्स की कमी है, ये बिल्कुल खुले मन से मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर प्रमोशन किया तो इस सरकार ने किए, सालों से ये बैठेंगे, इनके चिकित्सकों के प्रतिनिधि बैठे हैं, बताएंगे। इस सरकार के अंदर जितने प्रमोशन हुए आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किए। वरिष्ठ विशेषज्ञों की और कनिष्ठ विशेषज्ञों की कमी है। एमओज हमने खूब भर्ती किए हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है जो कोई भी सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती, गांव में लोग जाना नहीं चाहते। इस सरकार ने जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका 16,700-800 रुपए सैलरी हुआ करती थी, हमने बढ़ाकर 30,000 रुपए की, ताकि सरकारी सेवा की तरफ से आदमी का रुझान बढ़े। सरकार की तरफ से दावे हैं कि उन्होंने अपने किए वादों को पूरा किया है और पूरा करने का प्रयास किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर साहब, आप खुद इसी प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, क्या लगता है सरकार ने जो बातें करी वो पूरी हो पाई है? जमीनी हकीकत विपक्ष के नाते आपकी नजर में क्या है? मेरे ख्याल में मैं अपनी बात शुरू करूंगा दो कहावतों से, एक तो दूर के ढोर सुहाने लगते हैं, दूसरा जिसके पैर ना फटी भी भाई वो क्या जाने फिर पर आई। दोनों बातें यहां इसलिए लागू होती हैं क्योंकि ये जो निःशुल्क दवा योजना की आप बात कर रहे हैं, ये अपने को पेपर्स में या जो लोग वास्ता नहीं पड़ता उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जिनको वास्ता पड़ता है वो इतने परेशान होते हैं कि उनको पहले लाइन लगानी पड़ती है डॉक्टर की, फिर उसके बाद पर्ची कटाने की, फिर उसके बाद वो जाते हैं, फिर उसके बाद मतलब दो तीन दिन भर जिसके पास फालतू टाइम है, जो जैसे रिटायर्ड पर्सन, फिर भी हो तो जाती है जांच? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जांच का ये हाल है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद चिकित्सक हूँ और अभी पिछले दो दिनों में ही मैंने दो टीबी के मरीज, मैं डॉट सेंटर चलाता हूँ, मेरे पास टीबी के मरीज आते हैं। टीबी का मरीज जिसको पेट में पानी भरा हुआ है, टीबी का साइटिस जिसे बोलते हैं, उसका हीमोग्लोबिन 15.5 ग्राम। एक दूसरा और टीबी का मरीज जो अभी अंडर प्रोसेस ट्रीटमेंट का है, जो पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ, उसका हीमोग्लोबिन 17.8 ग्राम। नसरीन जी समझ रही होंगी इस बात को कि क्या ये पॉसिबल है। तो आप एक बात बताइए, अभी आपने 10 लोग बुलाए हैं, अगर ऐसे ही 100 लोग आ जाएं तो क्वालिटी का क्या होगा? तो यही हो रहा है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। हेमंत जी, क्या लगता है, एनजीओ के तौर पर आप सेव द चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हो, सरकार की कोशिश में कुछ दम है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं। ये WHO की एक टीम ने भी अभी हाल ही में राजस्थान का दौरा किया था और उन्होंने भी ये माना था कि यहाँ के बहुत सारे मॉडल हैं, उन्हें रिप्लीकेट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो गौर करने लायक हैं कि एनुअल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 1000 जीवित जन्मों पर नियोनेटल डेथ्स अभी भी 38 है राजस्थान में, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अभी भी ऑलमोस्ट 76 है, और अगर मैटरनल मोर्टेलिटी की हम बात करें, मातृ मृत्यु दर की,
तो वो तकरीबन 264 आती है। और अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें, जिन्हें हमको दो तिहाई तक हमको कम करना था, तो लैंसेट का भी हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की है, उसके अनुसार राजस्थान का एक भी जिला नियोनेटल डेथ्स को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार 2015 तक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि हम 2008 का आपका जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार अगर बात करते हैं, तो पिछले 4 सालों में सरकार ने बहुत कम काम किया और इस साल अचानक बम्बारमेंट ऑफ स्कीम्स, तो कहीं न कहीं सरकार की संवेदनशीलता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ये। पीआईपी 2013-14 जो एनआरएचएम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी उसके अनुसार एक साधारण आशा वर्कर जो तकरीबन 55,000 होनी चाहिए थी, वो 45,000 है, लगभग 9,538 आशा वर्कर्स की ही कमी है। बहुत साधारण स्तर की आशा वर्कर गांव के स्तर पर काम करने वाली है। अगर एफआरयू की बात करें तो कितने एफआरयू फंक्शनल है, कितनी सीजेरियन डिलीवरीज वहां पर हो रही है, सीजेरियन सेक्शन नहीं हो रहे, हमने एफआरयू को फंक्शनल बना लिया, हमने वहां सामान पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी डॉक्टर उस गवई स्तर पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत प्राथमिक इकाई है जहां पर प्रसव पीड़ा से महिला वहां पहुंचती है और हम वहां 24 आवर्स सीजर इंसेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात आती है कि 2013 तक आते आते हमने इन घोषणाओं पर अमल करना शुरू किया, तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? हेल्थ वर्कर्स का गैप, मैं बता रहा हूं, आशा बहनों की जिनकी बात आप कर रहे हो जी, 45,000 है मानते हैं जी। राजस्थान पहला स्टेट है जिसमें 1,000 रूपये उनको देते हैं। आपको पता है ये स्वैच्छिक सेवा है, आपको ये भी पता है कि ये कोई एम्प्लॉय नहीं है सरकार के, गांव के अंदर जो काम करना चाहता है समाज हित में उनके लिए काम है। फिर भी 1,000 रूपये माननीय अशोक गहलोत साहब ने, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं किसी स्टेट के अंदर आशा बहनों को 1 रूपया नहीं दिया जाता, उनका जो भी कमीशन बनता है वो उस हिसाब से चलती है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए मैं पिछले 4 साल से सरकार में मिनिस्टर हूं, और हमारे जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है उसके माध्यम से जो अवेयरनेस कैंप चलाए गए, जो 104-108 एम्बुलेंस लगाई गई, बच्ची के जन्मने पे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हम उस बच्चा को कैसे सुरक्षित रख सकें, मैं खुद संतुष्ट हो सकता है। हेमंत भाई आपके आंकड़े क्या कहते हो, मैं आंकड़ों में कभी आंकड़ों की राजनीति करता नहीं। मैं जो बोल रहा हूं, आपने कहा हुजूर आते आते वाली जो बात बोली, मैं कहता हूं कि अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है, अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है, वातावरण सोरा था अब आंख मलने लगा है, बहुत सी बातें हो रही हमारे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था वो पर्वत अब धीरे धीरे पिघलने लगा है। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों की सोच बदली है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। बेटियों को बचाने के लिए हमने कृष्णा पूनिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हमने 7100-7200 रूपये उस बच्ची के जन्म पे देने का वायदा किया, उसको निभा रहे हैं। हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं कहता हूं सरकार चाहे कितने भी प्रयास कर ले, जब तक आम जनता इन बातों के लिए जागरूक नहीं होगी तब तक इसके अंदर हम लोग संपूर्ण रूप से क्रांति नहीं ला सकते। क्रांति तो समय लाता है, या जनता जब खड़ी होती है तब क्रांतियां आती है। मंत्री जी कह रहे हैं कि अब मौसम जो है बदलने लगा है, वातावरण भी अब तंगड़ाई ले रहा है, लेकिन 4 साल लगा दिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आखिरकार 2012 खत्म होते होते योजनाएं आई, हाँ देर आए पर दुरुस्त आए, ये माना जा सकता है। इस मुद्दे पर हम लोग बहस जारी रखेंगे। हमारे साथ चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे साथ आम आदमी, उन सबसे भी बात करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक नई शुरुआत, राजस्थान की खबर राजस्थान के अंदाज में, देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम SSP। जम के खाओ, खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। चंबर मसाला हो या चंदी का मसाला, बस
असली मीठी है देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH, MBH। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम, 100 नींबू की शक्ति वाला विम, अब एक वाटरप्रूफ टब में, बाहर पानी से बचे महीना भर चले। नया विम मंथली टब। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर से। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ। कभी नहीं, नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। अच्छी वाली चाय हो जाए मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगार उन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहां बैठा पैनल तो अपनी राय रख ही रहा है, आइए एक बार चलते हैं प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, विभिन्न जिलों में लोगों को क्या लगता है कि चिकित्सा सुविधाओं में क्या सुधार हो पाया, क्या कांग्रेस पार्टी के किए हुए वादे पूरे हुए। आइए जानते हैं प्रदेश की राय क्या है। मैं 10 महीने से मैंने 2-3 बीमारियों का इलाज करवाया, मैं परफेक्ट हूँ। मेरा 15 किलो वजन घट गया था, मैंने 4 महीने दवा ली, मैं सफिशियंट सेटिस्फाई हूँ। हमें मतलब दवाई फ्री मिल रही है, इधर से जांचें फ्री मिल रही है, इलाज अच्छे से मिल रहा है। इलाज कारण जो भी वादे किए थे चिकित्सा के क्षेत्र में वो सब पूरे किए? हाँ पूरे किए, दवाएं मिल रही है हमें बराबर, फ्री मिली है, फ्री मिली बिल्कुल। प्रदेश में आम आदमी को लगता है कि कुछ हद तक उन पे चिकित्सा सुविधाएं पहुंची है, कोशिश जरूर हुई है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इन सुविधाओं का उपयोग करते, हम बात कर रहे हैं आम आदमी की। लोकेश जी,
आप जाते हैं हॉस्पिटल, क्या लगता है कुछ मिल पाता है वहाँ, या केवल इंतजार और पर्ची जो नंबर दिया जाता है वो स्थिति है? देखिए, जहां तक इंतजार करने की बात है या पर्चियों के नंबर की बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब इतने बड़े अस्पताल में जाते हैं और वहां पर चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क मिल रही हैं, तो बड़ी लाजमी सी बात है कि लाइन लगना, एक कह सकते हैं कि लाइन लगनी पड़ती है। और वहां सभी आदमी ये चाहते हैं कि हमारा इलाज हो, और इसीलिए वो वहां पर आते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं। दवा मिल रही है? बिल्कुल, दवा मिल रही है, पा रही है? मैं आपको, डॉक्टर अस्पताल में मिल रहा है? बिल्कुल, सारी चीजें मिल रही हैं। मैं आपको अपना खुद का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात है कि मेरे पैर के अंगूठे में मेरा नाखून बढ़ गया और वो दोनों साइड से बढ़ते हुए मेरे पैर के अंगूठे में अंदर चला गया। तो काफी दिनों तक तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब वो काफी पेन करने लगा और पक गया तो मैंने सोचा इसे दिखा लिया जाए। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, जयपुर हॉस्पिटल में, और मैंने उसे जब दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 25,000 रूपये जमा कराने होंगे। मैंने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ी अजीब सी बात होगी कि पैर के नाखून को ऑपरेट कराना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 25,000 रूपये देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जब राजस्थान की सरकार इस तरह के लगातार विज्ञापन भी दे रही है और कह रही है कि हमने इतने सुधार कर दिए, तो क्यों नहीं एक बार जाके देखा जाए। तो मैं सीधा SMS अस्पताल पहुंचा और वहां जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 10 मिनट बैठने के लिए कहा और ये कहा कि हमारे पास में जो ब्लेड होती है ऑपरेट करने की वो नहीं है, आप बाहर से ब्लेड लेके आ जाएं, आपका जो ऑपरेशन है वो हम अभी कर देते हैं। मैं बाहर शॉप पे गया और सिर्फ 4 रूपये में एक ब्लेड लेके आया और उस 4 रूपये की ब्लेड से मेरे उस अंगूठे के नेल का ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन करने के बाद में मुझे डॉक्टर की तरफ से जो स्लिप दी गई, स्लिप लेके मैं बाहर गया, इमीडिएटली मुझे मेडिसिन मिल गई। तो मुझे ये सब देख के बड़ा अजीब सा लगा कि जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे 25,000 रूपये की बात कही गई थी और 2 दिन रुकने के लिए कहा गया था, वहीं पे सिर्फ 1 घंटे मात्र में मेरे सारा उसका इलाज हो गया और मुझे मेडिसिन मिल गई। मैं बड़ा हतप्रभ था ये सब देख के कि राजस्थान की सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया। 4 रूपये में लोकेश जी ने उस काम को करा लिया। कोशिश मतलब सरकार की तरफ से है, ये सीधे तौर पे मतलब प्रयास संस्था से ही है। आप बताएं सर, क्या लग रहा है प्रयास को लेकर के, प्रयास क्या कह रहा है? मैं ये कहूंगी कि सरकार ने अपने कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं शुरू की, जितना भी कार्य किया, मुझे लगता है कि निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना जो है वो इस सरकार के सर पर एक ताज की तरह है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। और विभिन्न राज्य, देश के विभिन्न राज्य जो कि इस तरह की कोशिश में लगे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत प्रेशर है कि इस तरह की स्कीम बाकी राज्यों में शुरू हो, पर हो नहीं पा रही। और जिस तरह से और जितनी सफलतापूर्वक राजस्थान में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके जो आउटकम्स हैं वो काबिले तारीफ है, और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की जा रही है। मुझे लगता है हमें उस चीज को नहीं नकारना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो सारी चीजों के अंत जाकर के ये होता है वो डॉक्टर्स पे होता है, क्योंकि वहीं से चिकित्सा शुरू होती है और वहीं जाकर के समाप्त होती है। राजस्थान में जो डॉक्टर्स हैं उनको लेकर के हमेशा एक सुर्खियां बनी रहती है, हड़ताल। कोशिश सरकार की तरफ से होती है, लेकिन अगर डॉक्टर वहां बैठा हुआ हड़ताल पे है तो न तो उसे दवा मिलने वाली है, न जांच होने वाली है। अभी हमारे साथ डॉक्टर्स के प्रतिनिधि बैठे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार की इतनी कोशिशों के बाद जाकर के आप लोग हड़ताल जब करते हैं। डॉक्टर नसरीन जी हैं, आपकी हड़ताल बड़ी फेमस रही, आप भी खूब मीडिया में हमारे साथ छाई रही, हम आपको ढूंढते थे, पीछे पुलिस ढूंढती थी। ये डॉक्टर हड़ताल करता है कभी आत्मा नहीं दुखती क्या? मतलब इतनी कोशिशें सरकार की तरफ से होती है, बात बैठ करके भी हो सकती है, कई तरीके हैं, लेकिन आप लोग जब हड़ताल करते हैं तो सब कुछ जाकर के पूरा अंधेरे में हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं इस क्वेश्चन का मतलब बहुत हंस रही हूं मैं अभी जब ये आपने पूछा। और जिन पर ये गुजरती है वो कहते हैं जो आपने भी बोला, जाकी ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। आपको मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आज मेरी 23 साल की सर्विस है, 24 साल रनिंग है और मैंने एक प्रमोशन लेके आज मैं बैठी हुई हूँ। क्यों आप कह रहे हैं ना हड़ताल क्यों करते हैं? माँ नहीं, अगर माँ एक बच्चा दूध रोए नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, ये कहावत सच्ची है और हम सब इस चीज को जानते हैं। बच्चा रोता है फट से मतलब बच्चा भूखा है, इसको दूध पिलाया जाए। हम लोगों ने भी बस एक वही प्रयास किया। एक्चुअली हकीकत यह है कि हम लोग पिछले 30-40-50 सालों से पिछड़े हुए थे। हमारे डॉक्टर कौन थे ऐसी है कि सब अपने अपने तक ही सीमित हैं। सिर्फ डॉक्टर्स की क्या सुबह शाम नौकरियां हैं और थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो अपने आप तक ही कूप मंडूक की तरह रहते हैं, हकीकत है ये। तो डॉक्टर तबका है, एक ऐसा तबका है जो अपने आप पर ही ध्यान नहीं देता। और आप जैसा कहते हैं कि दिल नहीं दुखता,
दिल क्यों नहीं दुखेगा? दिल तो हर एक का दुखता है, लेकिन जब आपके ऊपर कुछ परेशानियां आपके साथ हैं या कोई आपके साथ समानता नहीं है, जब आप देखते हैं कि एक मेडिकल में जो भी स्टूडेंट जाता है